नमस्कार दोस्तों, आज हम 45 का रिव्यू करेंगे। ये 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर। इसमें जो इंजन की बात करें, इसमें कुबोटा कंपनी का अपना इंजन लगा हुआ है, जो कि 5 साल 5 घंटे की सुपर वारंटी में आता है। सुपर वारंटी आपका इंजन, गेयरबॉक्स, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, क्लच था पिछले से 5 साल 5 घंटे की वारंटी है, और टायर, बैटरी, सेल्फ और पंप इनकी 1 साल 1 घंटे की वारंटी है। ये आपका इसमें जो गियर बॉक्स है आपका फुल्ली सिंक्रोमैक्स और शटल शिफ्ट ट्रैक्टर है। आपका इसमें कोई सा भी गियर आप चेंज करेंगे, टॉप गियर से डाउन गियर मारेंगे, डाउन से टॉप गियर मारेंगे, बिल्कुल भी कैसी भी आवाज़ नहीं करेगा। ये शटल शिफ्ट ट्रैक्टर है, जिस गियर में आपको बैक करना है उसी गियर में बैक हो सकता है। ऑयल डिस्क ब्रेक के साथ में 3 वाली जो ब्रेक डिस्क है, और दोनों ही पहिया पावर स्टीयरिंग है। ये पहिया ही पावर स्टीयरिंग है आपका, और ये पहिया ही पावर स्टीयरिंग है। ये हम बात करें तो ये आपका 7/16 MRF का टायर में आता है, 7/16 MRF का टायर में आता है। और ये ट्रैक्टर 5 साल 5 घंटे की सुपर वारंटी, पिछला टायर जाता है वो 1428 MRF। ये आपका डबल क्लच में आता है। डबल क्लच का मतलब ये है कि जो इसका आपके हाथ में दे रखा है ये वाला जो लीवर है, इससे आपका पीटीओ चलेगी। इसकी पीटीओ ऐसे ऑन ऑफ का है। ये आपका हाई लो रिवर्स गियर में है, 4 इसके हाई हैं, 4 इसके लो हैं, 4 गियर में रिवर्स हैं। ये ट्रैक्टर चाबी से स्टार्ट होगा, चाबी से बंद होगा। ये आपके गियर हैं, इसके अंदर 540 और 750 चक्कर के गियर हैं इसके अंदर। ये इसका लीवर है। इसमें जो गियर बक्से में तेल आता है 44 लीटर गियर आता है। हम गियर बक्से में बात करें तो गियर बक्से में तेल कितना आता है, इसमें 44 लीटर आता है टू व्हील ड्राइव में, और 47.5 आता है फोर व्हील ड्राइव में। ये इसके रिव्यू, इसमें आपका कितने घंटे पर इसकी सर्विस करवानी है। पहली 50 पर 250 घंटे में सर्विस करवानी है। और इसकी हम बात करें तो इसका आप इसकी एयर कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा, इसकी आज जानकारी दूंगा। इसमें आपका ट्रैक्टर का डीजल ख़त्म हो जाता है, या कोई आदमी टीएफ की गलती से कोई बंद कर देता है, तो इसकी टी ये ऑन ऑफ करने का, ये अभी इस टाइम ऑन है, ये यहाँ इसकी ऑफ होएगी टी, ये आपकी जब आप कर दोगे तो यहाँ इसकी ऑफ हो जाएगी, ये इसकी अब ऑन है ट्रैक्टर। ये आपका ट्रैक्टर डीजल ख़त्म हो गया, इसकी हवा चेक करने के लिए या ट्रैक्टर का तेल चेक करने के लिए इसके अंदर है या हवा ले चुका है ट्रैक्टर, तो इसके लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे ये वाला पाइप। इस पाइप को आप निकाल कर आप चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर आपको डीजल दिखाई देगा, डीजल बाहर बुलबुले या डीजल बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। यदि ट्रैक्टर की हवा निकालने के लिए, तो हवा निकालने के लिए सर आप ट्रैक्टर की हवा कैसे निकालना है तो मैं आपको वो बताऊँगा। ये जो वाल दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो, ये जो वाल दिया हुआ है इससे आपकी हवा निकाल लेगी। जब आप उसको पीछे तरफ पिछले पहिए की तरफ खोलोगे आप, तो ये पिछले तरफ पहिए ऐसे खुल जाएगा, ये पीछे पहिए ऐसे खुल जाएगा। खुलने के बाद इसकी जब आप चेक करोगे, तो यहाँ आपको जब चाबी आप ऑन करोगे, ट्रैक्टर की चाबी स्विच को ऑन करोगे, आप स्विच की चाबी को ऑन करोगे, तो ट्रैक्टर आपको यहाँ डीजल दिखाई दे देगा। डीजल दिखाई देने के बाद इसकी आप ऑटोमेटिक इसकी हवा निकल जाएगी। फिर हवा निकलने के बाद फिर आपको इस वाल को बंद करना है। इसी वाल को आप अगले पहिए ऐसे करके आपको अगले तरफ को इसको बंद करना है। ये आपका 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। इसमें आपका रेडिएटर की बात करें तो उसमें थ्रेसर की जाली लगी हुई है, और एयर फिल्टर को आपको लॉक खोलने के लिए इसको यहाँ से इसको ऐसे करके आप ऑन कर दीजिए। ये इसका खोलने का तरीका ये, इसको आप हल्का सा आप देखो सकते हो, तीर से दे रखा है ये इधर को खोलेगा, इधर को लगेगा, तो ऐसा खोलना है इसको। खोल के ये वाला फिल्टर इसको सफ़ा करना है, ऐसे इसको लॉक कर देना, फिर इसको बटन को आप यहाँ से लॉक कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।